हेलो, गुड मॉर्निंग, कुछ भी बोलते हैं लोग, बोल देते हैं, ये नहीं पता कि उस बात का मतलब क्या है। भाई ऐसा है, अगर किसी की बात का हमने जवाब दे दिया, गुटका मैडम की बात का जवाब दे दिया, तो फिर मिर्ची लगने की कौन सी बात है। भाई शुरुआत तुमने करी थी, तुम पुलिस केस दिखा रही थी कि पुलिस केस किया है तुमने, तो उस बात का कोई जवाब नहीं देता क्या? जवाब तो देना बनता था ना, जवाब दे दिया तो मिर्ची लग गई। कुछ भी बोलती है भाई, कुछ भी बोलती है, मिर्चें लग गई। और बात रही ये, तुमसे किसने कहा कि जाएगा फूड वाले केस करेंगे तुम पर? किसने कहा? अपने दिमाग से कुछ भी निकालती, और ये मंद बुद्धि औरत ये कहा था, सुन वीडियो देख आराम से मेरी तब समझ, ये कहा था कि मेरे यूनिट के लोग जाकर जाएगा फूड वालों से मिलेंगे, फिर मैं उनसे जाकर मिलूंगी, और ये कहा था कि तेरे अगेंस्ट वहीं के लोग बहुत कड़े कर दूंगी। ऐसा नहीं है कि महाराष्ट्र में तुम रहती हो तो तुम्हारे ही लोग होंगे, थोड़े बहुत हमारे भी होंगे भाई, ऐसी बात नहीं। ना किसी ने ये कहा कि महाराष्ट्र के लोग चूड़ी पहने बैठे हैं। भाई किसने कह दिया महाराष्ट्र के लोग चूड़ी पहने बैठे हैं? भाई अपने आप में हर इंसान दम रखता है, किसने कह दिया ये बात? नई से नई बातें मत निकालो। ये किसने कह दिया तुमसे कि हिंदू मुस्लिम का झगड़ा? नई बातें मत निकालो। ये किसने कहा? मैंने कहा, मैं हिंदू वो मुसलमान, कुछ भी हो सकता है, समझे? ये बात वो समझ नहीं रही है, नई से नई बात निकाल के ला रही है फालतू में, क्योंकि आदत पड़ी हुई है। रिएक्शन भी लोग नहीं है, आदत पड़ी हुई है कुछ भी किसी के बारे में कहने की, समझ गई? नहीं समझ गई। और बात रही बड़े होने की, बड़ी बड़ी बातें, देख बड़ी बातें, अगर कोई बात का जवाब देना बड़ी बात होती है तेरी नजर में, तो बड़ी सही, पहली बात। दूसरी बात, उम्र में बड़ी हूं, रुतबे में बड़ी हूं, और ऊपर वाले ने हर चीज से नवाजा है, तो बड़ी तो हूं और बड़ी ही रहूंगी, समझे? अब बात आती है तेरे मिलने की, तेरे से क्यों मिलूंगी मैं आकर? तूने कहा है कि मैं तुझे बुला, तू मुझे बुलाएगी वहां पर, तो बुला, जब चाहे बुला, मैं आने को तैयार हूं, जब चाहे बुला। 18 को तो मैंने तुझसे कहा, ना सिखा रही हूँ, 12 को मैं लखनऊ जा रही हूँ, ठीक है, मेरा रहता है, मैंने तुझसे कहा मैं ऑल इंडिया घूमती हूँ, और मैं झूठ नहीं बोलती, जो कहा है वो कहा है, पता है, जो मेरे वीडियो शुरू से देखते हैं उन्हें पता है, ऑल इंडिया घूमती हूँ, समझ गए? हाँ, बात बड़ी बड़ी बातें नहीं है, ये सच्चाई है, बड़ी बड़ी बातें तो तू करती है, ये सच्चाई है भाई जो मैं कह रही हूँ, ये बड़ी बातें नहीं है। और जो है मेरे मिलने वाले हैं मेरे परिवार के लोग, और एक बड़ी बात बता रही हूँ तुझे, एक बहुत बड़ी बात बता रही हूँ तुझे, आज 69 या 68 में सर्च कर, गोपाल स्वरूप पाठक जो उपराष्ट्रपति थे, उस परिवार की बहू हूँ मैं, एक ये भी बहुत बड़ी बात है, बड़ी बात, बड़ी ही बात है, तो बड़ी बात है तो बड़ी करूँगी ना, छोटी होती तो छोटी करती। तो ऐसा है, मैं तो इतने अच्छे परिवार की बहू हूँ और इतने अच्छे परिवार से बिलोंग करती हूँ, भगवान की कृपा से बहुत अच्छी अच्छी जगह मेरे परिवार के लोग हैं, कम तो उसे भी नहीं आंकना चाहिए जो अपने से कमज़ोर हो, जो अपने से सामने वाला कमज़ोर है उसे भी कम नहीं आंकना चाहिए। तो मैं यही कह रही हूँ कि अगर मैं बड़ी कोई बात बताती हूँ अपने घर की, तो वो बड़ी बड़ी बातें होती हैं, तू कुछ भी बोल, समझे? और देख मैंने तुझसे कह दिया था मैं आ रही हूँ, तूने शुरुआत की है, मैंने फिर कह दिया शुरुआत तूने की है, एंड मैं कर दूंगी, तू कर शुरुआत, तू बुला, जब बुलाएगी, जहां बुलाएगी, आई डोंट, यार मैं आऊंगी, खुशी से आऊंगी, अच्छे से आऊंगी यार, आऊंगी, कोई बात नहीं, इस बार फिर हम बुला लेंगे आपको, क्योंकि आप इस बहाने यूपी घूम लोगी, है ना, फिर हम बुला लेंगे, पहले आप शुरुआत करो, ठीक है? हाँ, और सुन, आज तक तो क्या क्या कहती चली आ रही है, किसी को भी कहती चली आ रही है, अब तुझे जवाब मिलना शुरू हुआ है अच्छे से, तो तुझे मिर्चे लग गए, तुझसे सहन नहीं हो रहा, आज तक तुमने, तुझे किसी ने जवाब नहीं दिया, लोग चुप बैठे रहे, समझे? तुझे जवाब मिलना शुरू हुआ तो तुझे मिर्ची लग गई। देख मैंने तुझे दिखाया कि मेरे चैनल पर तूने स्ट्राइक मारी, और ये आज नहीं मारी थी, ये कम से कम मारी थी तूने 10-11 दिसंबर को, ठीक है, 10-11 दिसंबर को जो तूने स्ट्राइक मारी थी मेरे चैनल पर, मैंने देख कुछ भी, मैंने केवल मुंह से कहा था कि स्ट्राइक मारी है इसने चैनल पर, दिखाया नहीं था, लेकिन मुझे दिखाने की जरूरत पड़ी, मैंने दिखा दिया, ऐसे ही जब मुझे पत्ते खोलने की जरूरत पड़ेगी दिखा दूंगी, मेरे पास बहुत कुछ है, लेकिन मैं ऐसे नहीं दिखा दूंगी, वक्त आने पर दिखाऊंगी। देखो एक दिखा दिया मैंने सच्चाई कि हाँ स्ट्राइक मारी थी तो मारी थी, और जब से ही मैं तेरे पुंगी बजाने में लगी हूँ, तब से ही मैं तेरे हर बात का जो तू झूठ झूठ बोलती है उसका जवाब देने में लगी हूँ। पहले मैं सोचती थी छोड़ो बहुत है चैनल, लोग बहुत बोलते हैं, लेकिन नहीं, तूने मुझे पकड़ा, जब तूने मुझे पकड़ा
तो मैं तुझे छोड़ दूंगी, सवाल ही नहीं उठता। ये चीज़ें सारी दिखाने लायक है ना कि क्यों बोलना शुरू करा, वजह क्या है बोलने की, ये सब चीज़ें दिखाई जाएंगी। और देखो मैंने पब्लिक को भी कल दिखा दिया, ठीक है जी हाँ। और पहले मैंने सीरियस नहीं लिया था, लेकिन अब मैं सीरियस हूँ और अच्छे तरीके करेक्टर पर उंगली उठाने की। तुम्हारी करेक्टर पर उंगली कैसे उठा सकते हैं मैडम, 1000 लोगों के बीच में आपका निकाह हुआ है ना, बड़ी इज्जत से आई हो आप अपने ससुराल में, है ना। और करेक्टर पर उंगली तो कोई आपकी उठा ही नहीं सकता, आप इतनी इज्जतदार हो, इतनी इज्जत से आई हो, इतनी इज्जत से लोग तुम्हें लेके आए हैं अपने परिवार में, तो तुम्हारे करेक्टर पर उंगली कौन उठाएगा। आप तो बहुत शरीफ औरत हो भाई, और आप ही कह रही थी कल की सबा आलिमा है, आपने ही ये बात कही थी सबा आलिमा है, अब आप ही कह रही हैं कि सबा आलिमा नहीं है। तो देख बात रही उखाड़ने की, तो सुन उखाड़ने को जिसके पास कुछ होगा जब भी तो उखाड़ेंगे, जब कुछ होगा ही नहीं उखाड़ने को तो उखाड़ेंगे क्या यार, कोई कुछ नहीं उखाड़ होगा तो सोचेंगे ना, है ही नहीं कुछ तो उखाड़ें क्या, है ना। और बात रही तो सुन, शुरुआत आपने की है बात की हमें दम लगाने की ज़रूरत है, हमें दम लगाने की ज़रूरत नहीं है यार, कह रही ना दम लगा लो, आजमा लो, कोशिश कर लो, हमें कुछ कर ना दम लगाने की ज़रूरत है, ना आजमाने की ज़रूरत है, कोशिश करने की भी ज़रूरत नहीं है, एक दो चार मेल भेजने की ज़रूरत है बस, समझे। बहुत से लोग ऐसे होते हैं ना जो परिवार के साथ पसंद नहीं करते, उन्हें नूर अब इस टाइम पसंद आ रही है क्योंकि वो अकेली है, खुश है तो पसंद आ रही है। अरे जो परिवार के साथ मज़ा होता है ना वो अलग नहीं होता, और नूर परिवार के साथ ही पसंद करती है अपने आप को, उसने हर चीज़ अपनी देखो अपने, उसने कंगन लिए तो उसने अपनी सास को दिखाए, है ना, वो परिवार के साथ ही पसंद करती है, ऐसी बात नहीं है। ऐसे लोग, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो परिवार तोड़ देते हैं, जी हाँ, अकेले रहना पसंद करते हैं, और जो मैडम कहती ना सच्चाई होती है बात, हर बात में सब। और आपको दीन इस्लाम की बहुत नॉलेज है मैडम, बहुत ज़्यादा नॉलेज है सब, और बहुत ज़्यादा नॉलेज है माई, मैं तो हैट्स ऑफ करती हूँ आपको, आपको दीन इस्लाम की इतनी नॉलेज है कि मैं कह ही नहीं सकती। और समथिंग समथिंग एक बात और बताऊँ, अभी पत्ते बहुत खोलूँगी, अब खोलूँगी, एक साल पहले या 11 महीने पहले या 13 महीने पहले किसी पुलिस केस किया था ना आपने, खोलूँगी पत्ते, मुझे देखिए अब मेरे पास भी खबर, ये मैं सोचो तुम्हारे पास खबर आती, मेरे पास भी खबर आती है, खोलूँगी पत्ते, समथिंग समथिंग 11 महीने, समथिंग समथिंग 13 महीने या एक साल पुलिस केस किया था, और किस पे किया था मैं बताऊँगी, तेरे तुमने किसी अपने पे ही किया था, है ना जी हाँ बताऊँगी अब वक्त आने पर। और किसने कहा कि महाराष्ट्र के मुस्लिमों ने चूड़ी पहन रखी है मैडम, किसने पहन रखी है भाई, खुददार लोग हैं, पावरफुल लोग हैं, मैंने अभी कहा ना कि सामने वाले को कभी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, किसने कहा ये शब्द, किसने कहा ये शब्द, तुम कह रही हो खुद अपने मुंह से कह रही हो, समझे। और बात रही क्लास की, तो क्लास बताने की ज़रूरत नहीं होती मैडम, क्लास तो अपने आप ही दिखता है, अपने आप दिखता है, टॉक ऑफ वेयर अकॉर्डिंग टॉक टू यू, ठीक है, क्लास बताने की ज़रूरत नहीं होती, बताने की चीज़ नहीं होती मैडम, क्लास दिखता है, ठीक है। और भाई आप तो कॉन्वेंट स्कूल की पढ़ी हुई हो, भाई हम तो प्राइमरी स्कूल के पढ़े हुए हैं, सरकारी स्कूल के पढ़े हुए हैं, तख्ती ले जाते थे, अब कलम दबा से तख्ती पे लिखते थे, उसी स्कूल के पढ़े हुए हैं, लेकिन इंशाल्लाह ऊपर वाले की दुआ से आज कामयाब हैं, आज सरकारी जॉब पे बैठे हैं। और बताऊँ मेरी भतीजी श्रुति त्यागी, सर्च कर लेना, 2022 के बैच में निकली है, समझे, IPS निकाला है उसने, वो भी प्राइमरी स्कूल की पढ़ी हुई है और गांव की रहने वाली है, सर्च कर लेना 2022 के बैच में IPS श्रुति त्यागी, मेरी सगी भतीजी, ये श्रुति त्यागी मेरे चाचा जी की पोती, और जो मेरी सगी भतीजी MBBS डॉक्टर, सरकारी कॉलेज निकाला, वो भी गांव के स्कूल की प्राइमरी की पढ़ी हुई है। और बताऊँ मेरी खुद की बेटी आज एक बहुत IT कंपनी में जॉब करती है, नामी कंपनी में जॉब करती है, और बहुत अच्छा पैकेज उठा रही है, वो भी एक पब्लिक स्कूल की पढ़ी हुई मोहल्ले की, और सरकारी इंटर कॉलेज की पढ़ी हुई, समझे। सवाल ये नहीं उठता कि आप कहाँ हैं, कहाँ के पढ़े हुए हैं, आप क्या हैं, सवाल उठता है कि आपने क्या किया उस स्कूल में रह के, उन किताबों को आपने क्या किस तरीके से अपनाया, कितनी मेहनत की आपने, सवाल ये उठता है। पढ़ कहीं भी जाओ, लेकिन घर की नॉलेज, घर की पढ़ाई, घर की देखभाल बहुत ज़रूरी होती है, जी हाँ। तो मैंने तुझे बता दिया, क्लास दिखता नहीं है, क्लास बताने की ज़रूरत नहीं होती, क्लास दिखता है। बात रही चिल्लड़ की और रुपयों की, तूने कल कहा था रुपए और चिल्लड़, चिल्लड़ में आवाज़ होती है ना,
लेकिन तिल्लड़ से रुपए बनते हैं। इतना ध्यान रखना, इतना ध्यान रखना। छोटे को कभी छोटा मत समझना। जो जीरो होता है ना, एक बात सुन, जो जीरो होता है ना, जिसके आगे लग जाता है ना, उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। एक के आगे लगता है, अगर एक जीरो लगता है तो 10 होता है, दो लगते हैं तो 100 होता है, तीन लगते तो 1000 होता है। तो जीरो जिसके आगे लगता है उसकी वैल्यू बढ़ती है, और जीरो सबसे नीचे होता है। और चिल्लड़ से मुझे कुछ भी नहीं पता है, तू कहाँ। देखिए, एक्सपीरियंस पैसा खर्च करने से, परेशानियाँ उठाने से और दुनिया में घूमने से आता है। तुझे कुछ भी नहीं पता, तू क्या जवाब देगी। और देख, बात रही ठहराव की, मैडम आपके अंदर ठहराव है, आपके अंदर सब्र है, आप तो बहुत अच्छी हैं, बहुत कुछ है आपके अंदर। बात करती हैं सना इमरान की कि सना भाभी ने जवाब दिया उसे तो ये हुआ। तो सना इमरान की तो तुम परछाई भी नहीं हो, परछाई भी नहीं हो। वो भी सच के साथ लड़ती थी, जीत हुई। हम भी सच के साथ लड़ते हैं। मैंने कहा ना, वो जीत कैसे हुई, क्योंकि उसके पास भी पॉइंट है और हमारे पास भी पॉइंट है। ऐसे करने से कुछ नहीं होता है, कहने से, किसी का नाम लेने से या कुछ करने से, ऐसे नहीं होता है कुछ भी। उसकी तरह बनो पहले, उस इंसान की तरह बन के दिखाओ। बाबा अम्बेडकर जी की तस्वीर लोग टांग लेते हैं, मैं कहती हूँ उनकी तरह बन के दिखाओ, जैसे वो हैं थे, समझे। और बात रही, तो कहती मेरी नाजिया आपा से बात होती है, नाजिया आपा से बात होती थी। मैं नाजिया आपा को नाजिया आपा कहती हूँ, क्योंकि मेरी नाजिया आपा से बहुत अच्छी बाउंडिंग है। एक बात सुन, तेरी नाजिया आपा से तो बाउंडिंग है, उसकी माँ के की तो धज्जियाँ उड़ाती है, उसकी माँ की करेक्टर पर उंगली उठाती है, उसकी माँ को उल्टा सीधा बोलती है, उसके भाइयों को उल्टा सीधा बोलती है। मैं नहीं समझती कोई भी लड़की, सबको कहलवा लेगी, भाई को, भाभी को, सबको बुरा कहलवा लेगी, लेकिन कोई भी लड़की अपनी माँ को बुरा नहीं कहलवा सकती। और तू बैठी हुई उसकी माँ को बुरा कह रही है, सरासर तू झूठ बोल रही है कि तेरी नाजिया आपा से बात हुई है। मैं ये नहीं कह रही बात कह बाउंडिंग जो कह रही है, बाउंडिंग तेरी नाजिया से नहीं है। बात होना एक अलग बात है, बाउंडिंग होना एक अलग बात है। बात कर सकता है, बात कोई किसी से भी कर सकता है, लेकिन तू नाजिया की अम्मी की धज्जियाँ उड़ा रही है, उन्हें उनकी करेक्टर तक पे उंगली उठा रही है तू, है ना, कि वो अब जाके उनके यहाँ काम करती थी, तो जो अब्बा के यहाँ काम करती थी इसकी माँ जाके, तो ऐसा कर लिया है। और वो लड़की तुझसे बात करेगी, मुझे नहीं लगता, मुझे नहीं लगता, समझे। झूठ बोल रही है ये, झूठ बोल रही है लेडी। क्या बताऊँ मैं तेरी, मतलब एक झूठ का भी एक हद होता है। तूने किसे छोड़ा, किसको नहीं कहा तूने? देखे, तूने नूर नयाब को बोला, तूने नाजिया को बोला, तूने अब जायका फूड वालों को बोल रही है, तूने सायरा को बोला, तूने सामू को बोला, और तूने वो जो है क्या कहते हैं अफरोज चैनल वाली, उन्हें बोला बेचारी को, तोतली जो भगवान की घर से आई है तोतली बन के, उसे बोला। और कहा बोला, झूठ ही झूठ बोला सबके बारे में, सच्चाई नहीं बोला। सच्चाई मैं पकड़ के तेरी दिखा रही हूँ लोगों को, तो तुझे तिलमिलाट लग रही है। एक तरफ बोलती है कि नाजिया आपा रिश्तों को बनाकर, यानी मैं कैसे प्यार करती हैं, और एक तरफ उनकी माँ को इतना गलत बोलती है, भाई को गलत बोलती है। क्या लॉजिक है तेरी बात में? कोई लॉजिक नहीं है। एक बात और बात रही अब्बा की, तो अब्बा इस घर में नहीं रहते, मैं खुल के कह रही हूँ भाई। वो लोग कह रहे हैं अपनी मेज़ बनाने के लिए इंसान कोई कुछ भी कहता है, वो एक अलग बात है। उन्होंने क्या कहा उम्रा जाने से पहले, उन्होंने क्या कहा क्या नहीं कहा, ठीक है, लेकिन अब्बा इस घर में नहीं रहते, समझे। और क्या बात है आपकी वाइज, आपकी थिंकिंग के तो क्या करने, बहुत अच्छी है भाई, बहुत है सब आपके लिए। ओके, ठीक है, आज के लिए इतना ही। पसंद आए वीडियो तो, मेरी बात पसंद आए तो लाइक कर देना, मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना। ओके, ठीक है, फिर मिलती हूँ मैं अर्ली मॉर्निंग। ध्यान रखिएगा अपने परिवार का, अपने बच्चों का, अच्छी शिक्षा दीजिएगा, अच्छी परवरिश दीजिएगा, ताकि वो आगे बढ़ के समाज में एक अच्छा स्थान प्राप्त कर सकें। ओके, बाय।